पांच साल पहले पुणे के पास भीमा कोरेगांव में जैसी हिंसा भड़की थी वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दो शताब्दी पहले 1818 में एक लड़ाई जरूर लड़ी गई थी, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी जिसमें मुट्ठी भर महारो जो दलित जाति के थे अपने से कहीं बड़ी और संगठित मराठा फोर्स को जोरदार टक्कर दी और आखिर तक हार नहीं मानी। लेकिन जब इसकी 200वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम हुआ तो जमकर हिंसा हुई। बाद में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, इसमें से एक गौतम नवलखा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नवलखा को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। दरअसल ये दूसरा मौका था जब नवलखा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अदालत से आदेश को 6 हफ्तों के लिए निलंबित करने का आग्रह किया था ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। हालांकि कोर्ट ने एजेंसी को 3 हफ्तों का वक्त दिया। आपको बता दें कि नवलखा अगस्त 2018 से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल नवम्बर में नवलखा को जेल से निकालकर नवी मुंबई स्थित उनके घर में सशर्त नजरबंद किया गया था। तो वहीं पिछले साल नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नवी मुंबई में नजरबंद करने की अनुमति दी थी। हालांकि बाद में NIA की विशेष अदालत ने 5 सितम्बर 2022 को नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्पेशल कोर्ट ने नवलखा को ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रतिबंधित CPI यानी माओवादी से उनके संबंध हैं। DB Live की रिपोर्ट।